कई बार आप भी सुनते होंगे ना, हिंदू कायर है, हिंदू मूर्ख है, हिंदू जातियों में बटा हुआ है, हिंदुस्तान पर फिर विदेशी राज करेंगे जैसे 1300 वर्षों तक किया था। यानी कुछ 1300 वर्ष तो कुछ इसे 800 या 900 वर्ष कहते हैं। हम भी कई बार इस रटे रटाए शब्द को दोहरा देते हैं, लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ हिंदुओं का मोरल डाउन करने की कोई नीति है ताकि वो मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाए और उसे आसानी से समाप्त किया जाए। इन्हीं सब सवालों के साथ रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। नमस्कार, मैं हूं राजीव चौधरी। दिसंबर 2019 दिल्ली में आयोजित हुआ था एक टॉक शो, नाम था एक्सप्रेस अड्डा। यूं तो इसमें राजनीति, सिनेमा, खेल, बिजनेस जगत से जुड़े अनेकों लोग आए थे। साथ ही इसमें जुड़े थे एक स्कॉटिश इतिहासकार और लेखक विलियम डालरिम्पल। जब इनसे भारत के इतिहास के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब सुनिए। And one of the arguments of the right often that they make is that after independent India, the academic part of managing this country was given to the left wing. Have you heard that argument before? I have heard that, and of course, to an extent it was true. It is true that the early Nehruvian textbooks were written by Romulus and Harper and so on, many of whom were Marxists. And it is true that those textbooks sometimes did sort of emphasize a slightly rose-tinted vision of Hindu-Muslim unity running through the whole of the Delhi Sultanate right into the Mughals through Aurangzeb, with barely a... मसलन इस वीडियो में डालरिम्पल ने बताया कि यह सच है कि शुरुआत में नेहरूवादी पाठ्य पुस्तकें रोमिला थापर और अन्य मार्क्सवादियों द्वारा लिखी गई। मार्क्सवादियों ने दिल्ली की राजनीति की चश्मे से मुगलों का महिमामंडन और हिंदू मुस्लिम एकता के खोखले दावे किए, मनगढ़ंत इतिहास को गढ़ने का काम किया। जो लिखा गया वास्तव में भारत का इतिहास नहीं था, जिसका प्रचार वामपंथी अपने प्रोपेगेंडा के तहत कर रहे थे। यानी इरफान हबीबो या रोमिला थापर ये सब इतिहास में गोबर फैला गए, बता गए कि मुगल तो बड़े अच्छे थे, लेकिन अब YouTube पर इनके इतिहास की जैसे ही बखिया उधेड़नी शुरू हुई तो वो वही रायता लेकर YouTube पर भी आ गए। इनमें एक राम पुनियानी है, जब ये 75 साल ताऊ मुगलों की तारीफ करते हैं तो इनकी खुशी ना केवल चेहरे से झलकती है बल्कि इनके कई बार कान भी हंसते हैं। इनका फैला जा रहा रायता थोड़ा सा भी सुन लीजिए। तो औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था और औरंगजेब का उस दिन जन्मदिन था। औरंगजेब का जन्मदिन था, शिवाजी वहां गए भेंट लेकर, उन्होंने उनको भेंट दी। पुनियानी साहब, तारीख में बता देते हूँ, शायद ये 12 मई 1966 की बात है। 12 मई 1966 की बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। यानी सब कुछ वही है, वही सब कुछ कि अकबर महान, मुगल उदारवाद थे, हिंदू राजा लुटेरे चोर, वही सब जो YouTube पर परोस रहे हैं और इसमें लिख रहे हैं कि सच का सामना। यह देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ सुनी सुनाई बातों पर अधिक चिंतन किया जाता है, किताबें कम उठाई जाती है, शोध कम किए जाते हैं। पुरातत्व विभाग से लेकर इतिहास तक विदेशी मानसिकता का शिकार रहा। इसके बाद अधिकांश उन लोगों को ही PhD और D.Lit की उपाधि से सुशोभित किया गया जो इनका रायता आगे फैलाए कि जा चिरंजीव, जो अब तक हमने किया अब उसे तो आगे बढ़ा, इसी से भारत कमज़ोर होगा। इसी तरह बार बार इतिहास को मौत दे दी गई, इतिहास की लाश बिछाई गई और देखते देखते उस लाश की चीरफाड़ करने वाले गिद्ध भारत के बड़े बड़े इतिहासकार साबित कर दिए गए। यहाँ तक कि जब पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट सरकार थी तो उन्होंने तो एक प्रकार की राजाज्ञा ही जारी कर दी थी कि मुस्लिम शासकों के कार्यों को भारतीयों के हित में सिद्ध किया जाए। मसलन ऐसा लिखा जाए कि मुगल लुटेरे यहाँ लड्डू पेड़े बांटने आए थे, मंदिरों का विध्वंस और इस्लाम कबूल न करने वाले करोड़ों हिंदुओं का कत्ल तो मंगल ग्रह से आए विचित्र प्राणियों ने कर दिया था। अनेकों कन्वर्ट मुस्लिम कहते हैं कि अगर मुगलों को भारत में इस्लाम ही स्थापित करना होता तो वो कर देते, लेकिन वो उदारवादी थे, सेक्युलर थे, बड़े अच्छे थे, अकबर मान था, औरंगजेब तो टोपी सीलने वाला आलमगीर था। बस हमारा सवाल यहीं से आरंभ होता है कि यूनान मिस्र की सभ्यता और संस्कृति मिटा दी गई, अफगानिस्तान से बौद्ध मिटाए गए, ईरान से पारसी संस्कृति का समूल विनाश किया, इराक से यजीदी समाप्त कर दिए गए, तो वहाँ ये सेक्युलरवाद और उदारवाद क्यों नहीं दिखाया गया? क्या वे लोग अपने गौरवमय अतीत को बचा पाए या नहीं? और डंके की चोट पर कहा जा सकता है कि नहीं बचा पाए, पर भारत की बात अलग है। इसने 100 वर्षों की बात तो छोड़िए, 10 वर्ष भी किसी विदेशी शासक या शासन को निष्कंटक होकर राज्य नहीं करने दिया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई उपद्रव, विद्रोह और बगावत विदेशी शासक या शासन के प्रति हर काल में निरंतर बनी रही। अकबर के लिए कोई ना कोई महाराणा प्रताप खड़ा होता रहा और औरंगजेब के लिए कोई ना कोई शिवाजी।
कहीं ना कहीं चुनौती बना रहा। ऐसी जीवट और जीवंत इतिहास की साक्षी हिंदू जाति के लिए 1000 वर्ष तक गुलाम बता जाना उसका अपमान करना नहीं तो क्या है। जो जीवंत जाति है उसे मृत सिद्ध करना कितना बड़ा राष्ट्रघात और सांस्कृतिक घात है। ऐसे राष्ट्रघात के लिए लेखकों की लेखनी दंड की अधिकारी है। जिन लोगों ने हिंदू जाति को कायर कहते हुए 1000 वर्ष तक उसके गुलाम रहने की घोषणा का महापाप किया उन्हें लाला लाजपत राय जी ने अपनी पुस्तक छत्रपति शिवाजी की प्रस्तावना में इन शब्दों से लताड़ा है कि जो जाति अपने पतन के काल में भी राजा करण, गोरा, बादल, महाराणा सांगा, वीर प्रताप, जयमल और फत्ता, दुर्गादास और शिवाजी, गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी और हरि सिंह नलवा जैसे हजारों सूरवीरों को उत्पन्न कर सकती है, उस जाति को हम कायर कैसे मान लें। जिस जाति की स्त्रियों ने आरंभ से ही आज तक श्रेष्ठ उदाहरणों को पेश किया, जहाँ सैकड़ों स्त्रियों ने अपने हाथों से अपने भाइयों, पतियों और पुत्रों की कमर में शस्त्र बांधे, उनको युद्ध में भेजा, जिस देश की अनेकों स्त्रियों ने स्वयं पुरुष का वेश धारण करके अपने धर्म व जाति की रक्षा के लिए युद्ध क्षेत्र में लड़कर सफलता पाई, अपनी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं गिराया, जिन्होंने अपने सतीत्व और धर्म की रक्षा के लिए देहक्ति पर चंडंगनी में प्रवेश किया, वह जाति यदि कायर है तो संसार की कोई भी जाति वीर कहलाने का दावा नहीं कर सकती। जिस धर्म की महिलाएं अपने पतियों को, अपने भाइयों को, अपने पुत्रों को कमर में शस्त्र बांधकर सांस्कृतिक विध्वंस और राष्ट्र विनाशक शत्रुओं से लड़ने के लिए भेजती रही, उनके बलिदानों के लिए अपने लिए गर्व और गौरव का विषय मानती रही, तो वे नारियां साधारण महिलाएं नहीं थी, बल्कि वो ऐसी महान नारियां थी जिनकी चूड़ियों की खनक को तलवारों की झनक से कभी भी अधिक मूल्यवान नहीं समझा। चूड़ियां भी राष्ट्र धर्म के जागरण में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ये केवल भारतीय नारियों की वीरगाथाओं में ही सिद्ध किया जा सकता है। इसीलिए यहाँ वीर नारियों को कमजोर बनाने के लिए हीर रांझे की कथा शुरू की गई, सोनी महिवाल के प्यार के गीत गाए गए, इतिहासकार उन्हें अबला लिखने लगे और फिर आया बॉलीवुड, जो भारत की वीर ज्ञानवान नारियों को पहले प्रेम और फिर नग्नता पर ले आया। लेकिन हमारा आज का सवाल ये नहीं है, हमारा सवाल ये है कि क्या समूचा भारत मुगलों का गुलाम रहा? जिस इतिहास में जिस काल को हमारी गुलामी का कालखंड कहा जाता है, क्या वो गुलामी का कालखंड था या भारतीय संस्कृति की स्वाधीनता का संघर्ष काल? ये सब हमारे अनुसंधानों की भटकती दिशा का प्रतीक है। अन्यथा अनुसंधान तो उन हजारों नारियों पर होने चाहिए थे जिन्होंने जौहर रचाए या अपने पतियों, भाइयों और पुत्रों के बलिदान पर भी देश और धर्म जाति के हित में आंसू नहीं बहाए। ऐसी माएँ, ऐसी बहनें या ऐसी पत्नियाँ विश्व इतिहास के पन्नों पर कोई बताए तो सही कहाँ मिलेगी सिवाय भारत के? तब हम अपने अतीत का जश्न मनाए या उस पर आंसू बहाए। जिन लोगों का आदेश दिल्ली के लाल किले के भीतर तक सीमित होकर रह गया और ये सच कहे कि जिनका आदेश उनके अधीनस्थ लोग भी नहीं मान रहे थे, वो भी भारत के सम्राट इतिहास में कहे जाते हैं। और जिन मराठों का शासन देश उसी समय महाराष्ट्र से उड़ीसा, दिल्ली, राजस्थान, बिहार के कुछ क्षेत्रों और दक्षिण भारत के सुदूर प्रदेशों तक मजबूती के साथ चलता था, उन्हें देश में आतंकी, विद्रोही या लुटेरे कहा जाता है। यही स्थिति पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जी और भरतपुर के राजा सूरजमल जाट के विशाल साम्राज्य की थी। मुस्लिमों के द्वारा पहला आक्रमण भारत पर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया। यह मुस्लिम अक्रांता भारत के सिंध प्रांत से टकराया और थोड़ा आगे बढ़ा। लुटेरा था, अपने खलीफा को खुश करने के लिए यहाँ से धन लूट कर ले जाने के उद्देश्य से आया था। इसे सिंध के शासक दाहिर की बेटी सूर्य प्रभा और चंद्र प्रभा ने अपने बौद्धिक कौशल से इसी के खलीफा द्वारा मरवा दिया गया। यह कहानी यदि लिखी जाएगी तो मालूम होगा कि भारत की नारियों ने सांस्कृतिक नाशकों का नाश करने में पहले दिन से ही कितना प्रशंसनीय योगदान दिया था। इसलिए बदल कर लिखा गया कि भारत में नारियों की दुर्दशा थी और मोहम्मद बिन कासिम उनकी आज़ादी के लिए आया था। पिछवाड़ा चाटने वाले इतिहासकारों ने कुछ इस प्रकार महिमा मंडित किया है, जैसे कि यहाँ से अरब और भारत के सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए, उन संबंधों के आधार पर इस्लाम और भारत की संस्कृति का मिलन हुआ, जिससे गंगा जमनी तहजीब संस्कृति का विकास हुआ। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के पश्चात अरबों की ओर से आक्रमण परंपरा को मुस्लिम शासक जुनेद ने आगे बढ़ाया। जुनेद व उसके सेनापति मलिबा को आक्रांत करते हुए उज्जैन तक आगे बढ़ गए, परंतु वे वहाँ अपने प्रभुत्व को अधिक देर तक स्थापित नहीं कर पाए। अवंती के प्रतिहार राजा नागभट्ट, दक्षिणी गुजरात के चालुक्य राजा अवनिजान शरम पुलकेशी राज ने उन्हें परास्त करके भगा दिया। लुटेरे को अपनाया नहीं गया, अपितु उनके साथ वही व्यवहार किया गया जिसके वह पात्र थे। कितने लोग इन वीर प्रतिहारी राजाओं के नाम जानते हैं? यही नहीं, नांदीपुरी के राजा जय भट्ट ने भी संघर्ष में सम्मिलित होकर सहयोग दिया था। चित्तौड़ के राणा वंश के वीर प्रतापी शासक बप्पा रावल का गौरवपूर्ण शासन भी इसी समय फल फूल रहा था। उनका मलेच्छों को मार भगाने में उल्लेखनीय रूप से सहयोग मिला था। उत्तर भारत में कश्मीर के प्रतापी शासक ललितादित्य और कन्नौज के शासक यशोवर्मा ने सिंध की सेनाओं का सामना किया और जुनेद को आगे बढ़ने से रोक दिया।
यानी अरबों की, जिन सेनाओं ने पूर्वी रोमन साम्राज्य और पर्शियन साम्राज्य की शक्ति को धूल में मिला दिया, इजिप्ट और उत्तरी अफ्रीका को जीतकर यूरोप में स्पेन की भी जिन्होंने विजय कर ली थी, और मध्य एशिया के बौद्ध राज भी जिनके सामने नहीं टिक सके, ईरान के पारसी जिनके सामने पानी मांगते नजर आए, वे भारत को जीत सकने में असमर्थ रहे। इसीलिए बड़ी निराशा के साथ मौलाना हाली ने लिखा था कि वो दीन हजाजी का बेबाक बेड़ा, जो कुलजुम में झिझका न जेहू में अटका, मुकाबिल हुआ कोई खतरा न जिसका, किए थे पार जिसने सातों समंदर, वो डूबा दहाने में गंगा के आकर। सच भी यही है कि दीन हजाजी का बेबाक बेड़ा गंगा के दहाने में आकर डूब गया था, फिर भी झूठा पढ़ने और झूठन खाने की किसी की प्रवृत्ति ही बन गई हो तो क्या कहा जा सकता है। सच ये भी है कि जिन इस्लामिक लुटेरों ने अपने आरंभ के 50 सालों में मिस्र, जॉर्डन, यरूशलम, ईरान, इराक, अफगानिस्तान को जीत लिया था, उनका पहला हमला 712 में सिंध पर हुआ, उन्हें दिल्ली की हुकूमत मिली 1192 में। अगर वे इतने बड़े वीर प्रतापी थे तो क्यों सिंध से दिल्ली की 900 किलोमीटर की दूरी तय करने में 500 साल से अधिक लग गए? किसने उनके पिछवाड़ों में मसाल लगाई? कौन थे वे सूरवीर राजा जो पीढ़ी दर पीढ़ी 500 साल तक दीवार बने खड़े रहे? कौन इतिहासकार लिखेगा उनकी वीर गाथाएं? कौन झाड़ेगा इन स्मारकों की धूल को? कौन चढ़ाएगा इन पर गरिमा के फूल? इन चाटुकारों से और लेखनी को बेचकर आत्मा को गिरवी रखकर लिखने वाले इतिहासकारों से स्वतंत्रता के अमर सेनानियों के ये पावन स्मारक यही प्रसन्न कर रहे हैं। हमारी नई पीढ़ी इतिहास का झूठ पढ़ते पढ़ते उन्हें सच मान रही है। लिखा जाता है स्वतंत्रता का पहला ज्ञान यूरोप को हुआ। क्यों लिखा गया? क्योंकि लिखने वाले वो थे और पढ़ने वाले हम। हमारा दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता के पश्चात इस देश की शिक्षा नीति इस देश के अतीत के स्मारकों को उत्कीर्ण बनाकर उन्हें पूजनीय बनाने के लिए लागू नहीं की गई, अपितु उन्हें अपमानित और तिरस्कृत करने के लिए लागू की गई। और करीब पहले 5 शिक्षा मंत्री मुस्लिम रहे तो उनकी नज़र में तो उनके अब्बू अकबर ही मान थे और औरंगजेब टोपी छीलने वाले आलमगीर। अब इस काम को इरफान हबीब और इस्लामिस्ट आगे बढ़ा रहे हैं। दुर्भाग्य ये भी है कि देश के शिक्षा मंत्री बदलते रहे, सरकार बदलती रही, लेकिन इतिहास नहीं बदला। आज पाठ्यक्रम से लेकर मीडिया चैनल्स तक वही लोग बैठे हैं जिनके दिमाग में मजहब और जुबान पर सेकुलरवाद बैठा है, और कहा जा रहा है हिंदू कायर है, जबकि हिंदू न कभी कायर था, न कभी है और न कभी आगे होगा। अगर आप भी हमसे सहमत है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जानकारी बांटने से बढ़ती है।